हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमारी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, या हमें सही से टीचर नहीं मिल पाया, या हमें किसी ने सही से गाइड नहीं किया, सर जी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करेंगे, या बी कॉम में इससे पहले हमने पढ़ाई नहीं की है तो हम क्या करें। तो मैं आपके लिए आज मैं दावे के साथ में बताना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये मात्र बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं जिन पॉइंटों को बता रहा हूँ अगर वो आपने तैयार कर लिए तो पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, आपको फेल करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ, गारंटी के साथ में मैं कह रहा हूँ, ये दावा मेरा है। ओके, अगर कहीं पर भी आपको निराशा हाथ लग जाए, फेल होना तो बहुत दूर की बात है, अगर कहीं पर भी आपको आपके जो सॉल्व करने के लिए पेपर जितना भी करने के लिए आया है, देखिए अथवा वाले तो हम नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना पेपर सॉल्व करने के लिए आता है 100% पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से मिलेगा जो मैं आज बता रहा हूं। अगर ऐसा ना हो तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आकर के अनसब्सक्राइब करना और डिसलाइक जितना मारो उतना मारना, बस शर्त इतनी सी है कि आप मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उनको थोड़ा सा समझ लें और उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो रख लें, फिर लिखने में बिल्कुल कोई कंजूसी ना करें। ओके, आपका जो कलम है रुकना नहीं चाहिए, अगर नंबर आपके 60% से कम आए तो ये जिम्मेदारी मेरी है। ओके, कैसे करके लिखोगे इसके लिए बहुत सारी वीडियोज बनी हुई है चैनल पर, मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत कुछ कंटेंट डालता रहता हूं। और अब आइए शुरू करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करने है, कम से कम प्रयास में हम अधिक से अधिक परिणाम देखो कैसे लाए। अब जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं आपको बताऊं फाइनल अकाउंट आपको न्यूमेरिकल में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एक न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो, ये आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा, हायर परचेज का सिंपल सा ही न्यूमेरिकल मिलेगा, ज्यादा टफ नहीं मिलेगा। ओके, और ब्रांच अकाउंट की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा थ्योरी देखी जा रही कि शाखा खाते कैसे कहते हैं, बहुत हैवी इजी में, ठीक है। और इसके साथ में अगर आपके सिलेबस में वॉइस अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट है तो इन दो में से एक आएगा, दोनों सरल हैं, और एक न्यूमेरिकल आएगा और एक की थ्योरी आएगी, यहां से 100% कुछ ना कुछ जरूर आता है। अब बात करते हैं जर्नल, ये नया जोड़ा गया है तो जर्नल की कुछ एंट्री शॉर्ट जो क्वेश्चन आएगा, जो छोटा न्यूमेरिकल होगा ये उसमें दिया हुआ होगा, और इसके साथ में हो सकता है क्या तलपट भी हो सकता है, लेकिन तलपट की थ्योरी आने की ज्यादा उम्मीद है, जो कि मैंने इधर कहीं रखा होगा। यह है तलपट बनाने की विधियां। तलपट किसे कहते हैं? तलपट गणितीय शुद्धता को सिर्फ जांच करता है, यह कोई खाता नहीं है, यह सिर्फ एक प्रकार का विवरण है जो सोचो कि खाते 100% सही बता दे, नहीं बता पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो तलपट द्वारा पता नहीं चलती हैं। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि तलपट द्वारा कौन कौन सी ऐसी अशुद्धियां हैं या गलतियां हैं जो पता नहीं चल पाती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तलपट एक परीक्षा सूची है या गलतीय सूची है या गलतीय जांच करने की विधि है, यह इस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करेंगे तलपट बनाने की विधियां में। ओके, देखो पहला लांग क्वेश्चन, लेखांकन का आर प्रकृति क्षेत्र और महत्व 100% रखा हुआ मिलेगा। लेखांकन किसे कहते हैं? भाई बिजनेस जब करते हो तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबको याद रखना मुश्किल है, उन ट्रांजेक्शन को शुरू से लेकर के और शाम तक या रात जब तक आपका एक पीरियड चलता है उतना लेन देन जितना भी हुआ है उसको क्रमबद्ध सीरियल नंबर के साथ डेट और अमाउंट के साथ उसको दर्ज करना क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। लेखांकन कुछ और नहीं है, नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको व्यवस्थित ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। तीन हमारे खाते हैं, व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता, नाम मात्र का खाता, ओके, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, तीनों के अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस से जितनी भी एंट्रीज की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। और वर्तमान समय में लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता ल्यूकस पैसियोली हैं, ये बहुविकल्पीय में जरूर पूछा जाएगा। ओके, अगला है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा लेखा प्रणाली आपको लिखने में आएगी, ये रट लीजिएगा आप। और अगला विभागीय खाते, यहां से आपको अथवा में मिलने की संभावना है, विभागीय खाते अगर तैयार करना है तो थ्योरी में तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये आपका जो चैप्टर है तैयार हो जाएगा। दिवालिया खाते देख लेना, आपके सिलेबस में है भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको सिलेबस में रखा है, कुछ में नहीं रखा है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए आप अपने कॉलेज की साइट पर जाइएगा और वहां से आप सिलेबस ले लीजिएगा।
आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा उस पर भी मिल जाएगा। खाता बही बनाने की विधि, देखो यहाँ से थ्योरी आने की पूरी संभावना है। लेखांकन की अवधारणाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच नहीं सकती। दोहरा लेखा की अवधारणा जरूर आती है, मुद्रा मापन की अवधारणा आती है, वसूली की अवधारणा आती है, और एक अवधारणा जब आती है तो बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। ये क्या होती है पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा, क्योंकि सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है। पृथक का मतलब होता है अलग, और व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, और अस्तित्व का मतलब होता है मालिक का और बिजनेस का, दोनों का अपना जो अस्तित्व कहते हैं उसके लिए, जो अपना कहीं ना कहीं पर एक पहचान के रूप में अलग बनता है जाकर के। जैसे मान लीजिएगा किसी की हीरो की एजेंसी है, तो हीरो की एजेंसी पूरा क्षेत्र जानता है, भैया हीरो कंपनी की एजेंसी सामने है, मारुति सुजुकी की एजेंसी सामने है, लेकिन उसका मालिक कौन है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से नहीं भी जानते। मालिक से मतलब नहीं होता, सीधे एजेंसी से मतलब होता है। कोई भी मुकदमा करना बोले एजेंसी मुकदमा कर देते हैं, उस कंपनी मुकदमा कर देते हैं, मालिक कौन है ये बाद की बातें होती हैं। तो इसी को कहते हैं पृथक व्यवसाय अस्तित्व, यानी मालिक बिजनेस से हमेशा कैसा होता है, अलग होता है। ठीक है, बिजनेस जरूर मालिक का होता है, लेकिन मालिक का अस्तित्व जो होता है अलग होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनियां जो बेईमानी करके भाग जाती हैं, रुपए पैसे लेकर के भाग जाती हैं, उन पे क्या होता है, जो व्यक्ति भागता कंपनी नहीं भागती है, लोग भागते हैं, और मुकदमा किस पे होता है, कंपनी पे, कंपनी के ऑफिस पे जो कागज वहां रखे हुए हैं उन पर। तो यहां पर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि लोग अलग होते हैं और संस्था अलग होती है। ठीक है, अगला है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक। सबसे ज़्यादा टफ यही लगेगा आपके लिए जब आप तैयार करोगे, लेकिन यहाँ से आएगा जरूर, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। ठीक है, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक थोड़ा सा टफ है। तो दोस्तों इतने छोटे से पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं यार, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो आप तैयार कर ही लीजिएगा। तो ये जो वीडियो थी उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी करते समय थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो आप बिल्कुल मत होइए, आप मेरे चैनल पर आ जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए समय समय पर सारे इंपॉर्टेंट्स ओके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब मिलेंगे। तो और किसी प्रकार की अगर कहीं दिक्कत है तो आपको पीडीएफ नोट्स भी हम दे देंगे, 97198111001, बिल्कुल फ्री है आपकी हेल्प के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे ही आप बात कीजिएगा, कॉलिंग नहीं कीजिएगा ओके, कॉलिंग पे बात नहीं हो पाएगी। 97198111001, यहां से हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा ओके, क्योंकि जो पेड क्लासेस चलते हैं जिनकी हमने जिम्मेदारी ले ली है टॉप कराने की, तो सबसे पहले हमें उन पर ध्यान देना होता है, फिर जब भी टाइम बचता है आपके साथ हम जरूर आते हैं, लेकिन जब हम उनको शेयर करेंगे तो हम आपको भी ये शेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जहां से हो, जहां कोचिंग पढ़ रहे हो वहां आप आराम से कोचिंग पढ़िए, कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, कहीं पर दिक्कत है आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं ओके। तो आइए अब हम अगले वीडियो पर चलते हैं, जिसमें हम इन सब के आंसर्स हैं वो देने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।